अधिक गतिविधियां कितनी है उसको नियंत्रण करना है। तो मेरा ये मानना है कि डिस्टेंस वाइज आज भी केकड़ी ऐसा नहीं है कि हम कोई अभी मांग कर रहे हैं कि 2012 में ये जीएस संधू की कमेटी को ज्ञापन दिया था और ये राम लुभाया जी की कमेटी को अभी 2022 में भी हमने पूरा ज्ञापन दिया और उसमें पूरा भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इस ज्ञापन को हमने उनको दिया था। अब जिला मुख्यालय से दूरी की बात आती है, शहर कितना बड़ा हो या छोटा हो ये मायने नहीं रखता। सवाल ये है कि लोगों को कई कई जिले ऐसे जहां पर कलेक्टर पूरे 5 साल में एक बार भी नहीं जा पाते हैं, एसपी नहीं जा पाते हैं, उस भौगोलिक परिस्थिति क्या है, जिला मुख्यालय से उसकी दूरी क्या है, वो संवेदनशील क्षेत्र है कि नहीं है, वहां डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कितनी है, आपराधिक गतिविधियां कितनी है उसको नियंत्रण करना है। तो मेरा ये मानना है कि डिस्टेंस वाइज आज भी केकड़ी कोटा से देखो, जयपुर से देखो, भीलवाड़ा से देखो, अजमेर से देखो, 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर आता आज भी। अच्छा, वहां पर जो ऑफिसेज है, क्योंकि कुल 290 गांव टाणियां है, 3 नगर पालिका है, 3 एसडीएम मुख्यालय है, 4 तहसील है, 2 उप तहसील है, वहां पे एडीएम का ऑफिस है, वहां पे एडिशनल एसपी का ऑफिस है, वहां पे डीटीओ का ऑफिस है, वहां पे 400 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पीजी कॉलेज है, 5 नए कॉलेज खुले हैं। मेरा ये मानना है कि केकड़ी नए जिले बनाने में जो भी इनके मापदंड है उनको पूरा फुलफिल करता है। और मैं मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि राजस्थान में नए जिले बने, नंबर 1। नंबर 2, जब नए जिले बनाए तो उसमें केकड़ी को भी नया जिला बनाए, ये समय की आवश्यकता है, गुड गवर्नेंस के हिसाब से भी जरूरी है और क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते भी। आज भी हम लोग बजरी वहां से मिलती है, क्वार्ट्स वेल्सवार की माइंस वहां पे है, मार्बल की माइंस वहां पे है, ग्रेनाइट की माइंस वहां पे है, 70-80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू साल में माइनिंग से अगर कहीं से मिल रहा है, बजरी का छोड़ दो आप, ये बाकी माइनिंग से तो हम लोग देते हैं इनको। तो सवाल ये कि गुड गवर्नेंस के दृष्टिकोण से ये नया जिला केकड़ी भी बनना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से भी और मुख्यमंत्री से भी मांग रहा हूं।